हेलो नमस्कार सस्तकाम अदाम कर्मा कनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे। पढ़ाई चल रही होगी बहुत तेज़ धमाकेदार तरीके से। बाकी सब सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही चुके होंगे, थोड़ा बहुत जीएसटी बचा होगा। जीएसटी तो बहुत सारा बचा होगा अगर आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो एनी विच वेज कुछ लोग थोड़े थोड़े मन में गाली वाली भी दे रहे होंगे कि सर कहाँ भाग गए, लेक्चर्स कब से आ नहीं रहे आपके। तो जो टेलीग्राम पर हैं उनको ऑलरेडी पता है आई वॉज ऑन अ ट्रिप टू लेह लद्दाख, बिकॉज ऑफ विच आई वॉजेंट हियर अवेलेबल फॉर लेक्चर। एनी विच वेज बैक विथ मोर एनर्जी, मोर न्यू लेक्चर्स, एंड जो प्रोमिस था, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। एंड नाउ फटाफट से लेक्चर्स हम लोग सारे ख़त्म कर देंगे। जो प्लान था इस पर प्लान चलेंगे। पूरी कोशिश रहेगी जुलाई एंड तक आपका जी एस टी का मेजॉरिटी वाला पार्ट, सबका सब पार्ट ख़त्म हो जाए। ओके सो लेट्स बिगिन। आज हम क्या करने वाले हैं, देखो जो हमने सबसे स्टार्ट में बात किया, हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की बात की जीएसटी को लेके। उसके बाद जो मेन बात आती है, इम्पॉर्टेंट बात आती है जीएसटी में, वो क्या आती है, वो आती है आपका सप्लाई। हमने सप्लाई से कनेक्टेड सारी चीज़ें पढ़ी, सप्लाई एंड जीएसटी का पूरा चैप्टर पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा चार्ज ऑफ जीएसटी, जहाँ पर हमने बात किया कि किस किस तरह के फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, कैसे कैसे चीज़ें काम होती है, उस पर अपन ने बात किया। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन जीएसटी। नाउ मेन जीएसटी स्टार्ट करने के पहले जो जीएसटी का तंबू है वो टिका है तीन बम्बू पे। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, जीएसटी का जो तंबू है वो टिका है तीन बम्बू पे। पहला बम्बू है टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा बम्बू है प्लेस ऑफ सप्लाई, और तीसरा बम्बू है वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ ये तीन चीज़ें है क्या, ध्यान से सुनो, ये तीन चीज़ें हैं क्या, बिकॉज आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स उन्हीं पे बात करने वाले हैं। मैंने क्या बात किया, मैंने बात किया एक है किधर गया भाई, एक है टाइम ऑफ सप्लाई, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये बात करता है कि बॉस आपको जीएसटी भरना कब आता है, यानी कि सरकार किस दिन आपको कह सकती है कि ला भैया जीएसटी दे दे, ये वो दिन है, तो दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। यही चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बम्बू क्या है, नेक्स्ट बम्बू इज प्लेस ऑफ सप्लाई, कि बॉस जीएसटी भरना कहाँ पे है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था जीएसटी, तो जब वो गुड्स ट्रैवल करते हैं या सर्विसेज ट्रैवल होती है कहीं एक प्लेस दूसरे प्लेस पे, तो फाइनली किस प्लेस पे जीएसटी, किस प्लेस का जीएसटी, वो जीएसटी कैसे माना जाएगा, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई पे ही डिपेंड करता है कि आप बिल पे सीजीएसटी लगाओगे, एसजीएसटी लगाओगे, आईजीएसटी लगाओगे, एंड सो ऑन। तो ये है प्लेस ऑफ सप्लाई, इस ये होगा हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि बॉस जीएसटी चार्ज किस पे करोगे, किस पे चार्ज करोगे, जीएसटी चार्ज करोगे किसी वैल्यू के ऊपर। अब वो वैल्यू कौन सा होगा, सर सेल का तो वैल्यू होगा, बॉस ठंड रखो, सिर्फ सेल का वैल्यू नहीं होता है। हमने क्या सीखा था, जीएसटी इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बात क्या हो रही थी, सप्लाई पे जीएसटी चार्ज हो रहा है। सप्लाई के अंदर उसके डेफिनेशन में बार्टर, एक्सचेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत कुछ था। तो वैल्यू भी अगेन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वो वैल्यू के बेसिस पे ही आप लोग जीएसटी का अमाउंट निकालोगे, एंड उसके बाद सारी बातें होंगी कि वो टैक्स के ऊपर आईटीसी कैसे क्लेम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं ये, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लगता है लद्दाख के ट्रिप का असर है शायद। एनीवेज करते हैं स्टार्ट एक चैप्टर, इसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपका इस तीन बम्बू में जो सबसे ईजिएस्ट चैप्टर वो है टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर आज का शुरू होगा और मोस्ट प्रोबेबली आज का आज खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले बात किया था, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस आपको ऐप पे दो से चार दिन में अपडेट होकर मिल जाएंगे, ऑफकोर्स एप्लीकेशन पे विच इज़ निखिल्स एजुकेशन एरिना। टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट हो जाओ, अब वहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं, एंड धीरे धीरे एग्जाम्स पास आएंगी, क्वेरीज बढ़ेंगी, और क्वेरीज बढ़ेंगी तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, एंगेज बढ़ेगा आंसर्स भी मिलेंगे, और काम ज़्यादा बेटर हो पाएगा। सर आप पढ़ाना चालू करोगे या बकवास करोगे, मैंने कहा चलो सर स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इस चैप्टर का, अब ये इस चैप्टर में देखो अगर आप ध्यान देंगे तो जो रीकैप सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आईडीटी का मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट ने बनाया, चुम्बेश्वरी मॉड्यूल बनाया है इंस्टीट्यूट ने, आप चाहो तो सीधा वहाँ से पढ़ सकते हो। आई हैव नो इश्यूज़,
आप चाहो तो यहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से नहीं पढ़ा रहा, मैंने इस चैप्टर के लिए बहुत कंसाइज 4 पेज में पूरा नोट्स बनाया टाइम ऑफ सप्लाई का, जिसमें मॉड्यूल का हर एक पॉइंट कवर हो रहा है, 99% कवर हो रहा है। अब 1% कोई एक आधा लाइन तुम यहाँ वहाँ से निकाल लोगे, बोलोगे नहीं हो रहा है, तो भैया 99% कवर हो रहा है एंड इसमें सब कुछ आ जाता है, सारे सम आप सॉल्व कर पाओगे इसी 4 पेज के चार्ट के थ्रू। और बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, आ जाओ दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा चार्ट है, ठीक है? ध्यान से देखो, अब बस अपनी सीट की पेटी बांध लो, सिट बैक, रिलैक्स, सोना नहीं है, लग जाना है एवो सप्लाई के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यही चैप्टर बताता है कि भैया आपको GST भरना कब है। हाँ, आपको GST भरना कब है, किस टाइम पे GST भरना है। देखिए अब है ना, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 सेक्शन में, एक है सेक्शन 31, एक है सेक्शन 12, एक है सेक्शन 13, एक है सेक्शन 14। कमिंग बैक, इस चैप्टर में जो मेन बात होती है वो सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 की होती है, लेकिन 12, 13 और 14 के पहले एक बेसिक सेक्शन आता है जो इस चैप्टर के लिए अति 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 अनिवार्य है, और ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 31। 31 क्या बात करता है, ये बात करता है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। मतलब सर, आज हम ये अभी देखो, अभी तक मैं टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में नहीं जा रहा, इस चैप्टर के पहले हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 31, जिसका रेलेवेंस सेक्शन नंबर 12 और 13 दोनों में आएगा। तो रेलेवेंस आएगा तो मैंने सोचा कि पूरा ही पढ़ लेते हैं, सिंपल सी कहानी है, तो आ जाओ पूरा पढ़ते हैं सेक्शन 31। यानी कि अब हम लोग ज़िंदगी में पहली बार ये सीखने वाले हैं कि जो हम गुड्स का सप्लाई करते हैं या हम जो सर्विसेज का सप्लाई करते हैं उसका इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं। आज तक हमने क्या सोचा है, एक लेमैन स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं, जब चाहो इशू कर दो, की फ़र्क पड़ता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको एक्ट से कंप्लाई करना है, और एक्ट आपको बताता है सेक्शन 31 के अंदर साफ साफ बताता है कि आपको कब तक इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है। कौन सा इनवॉइस, ऑफ कोर्स टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 31, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, यानी कि इसका दूसरा मतलब क्या है, ड्यू डेट टू इश्यू इनवॉइस, यानी कि सर कहना है इसे इस डेट तक इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक गुड्स और एक सर्विस। तो कान खोल के देखो और देखो कि कब तक इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है। अब अगर मैं गुड्स की बात करता हूँ तो 3 तरह से आप गुड्स को बेच सकते हो। एक होता है नॉर्मली जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेचते हैं, और एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई, और एक होता है गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस। आते हैं नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। अब ये क्या चीज़ है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, कौन से केस में, वह सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। कई बार सप्लाई करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यही है, ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, अब मुझे ये चीज़ किसी कस्टमर को पहुंचानी है या उसको सेल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ऑर्डर मिला है कि ये मुझे पहुंचानी है एक्स वाई जेड प्लेस पे, तो कहना इसे ये गुड्स का डिलीवरी या सप्लाई पूरा कब होगा, जब इसका मूवमेंट होगा, ये मूवेबल गुड्स है, मूवमेंट होगा। तो जब ये मूवमेंट इन्वॉल्व होता है और जब मैंने मूवमेंट करवा दिया गुड्स का, तो कहना इसे उसी टाइम पर मुझे इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या लिखा है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, कहना ऐसे क्या ये बॉटल वहाँ पहुँचने के बाद मैं बोलूँगा इन्वॉइस इशू करूँगा, नहीं, इन्वॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, अगर गुड्स के सेल में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो मूवमेंट करने के पहले या मूवमेंट के समय आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा, उसके बाद ही गुड्स का मूवमेंट कर सकते हो। ये हुई बात नॉर्मली। या फिर किसी किसी के में केस में क्या होता है, कस्टमर खुद शॉप पर आ गया और शॉप पर बोलता है लाओ मुझे बॉटल दे दो, मैंने कहा ले भैया बॉटल ले लो, अब क्या मैंने इसको कहीं मूव करना है, मुझे करवाना है, अगेन एनी विच वेज ये गुड्स सामने वाला यहाँ से कहीं और लेके जाएगा, बट कहना इसे मुझे कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, लेकिन मैंने रेसिपिएंट जो कस्टमर है उसके लिए इस गुड को अवेलेबल कर दिया, भाई ले जा। तो जब मैं अवेलेबल कर दूँ उस टाइम पे इनवॉइस इशू करना अनिवार्य हो जाता है। अगेन कहना इसे सिंपल स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है सप्लाई करने के लिए, उस केस में आपने रेसिपिएंट को दे दिया है, अवेलेबल करवा दिया, या फिर अगर वो खुद मूवमेंट करवाना है तो मूवमेंट करवाने के पहले तक, मूवमेंट तक कभी भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, मूवमेंट के बाद नहीं, पहले ही इशू करना पड़ेगा। सो टाइम पे इशू नहीं किया तो क्या होगा, GST के बाकी क्वेश्चन लग जाएंगे तुम पे ऊपर।
फिर वही सब लग जाएगा कि तुमने धोखेबाजी किया है, 400 किया है, इनवॉइस के बिना माल बेचना चाह रहे हो, कच्चे में माल बेच रहे हो, बहुत सारी बातें आगे आएगी डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग CID की जो नहीं करेंगे कि टाइम पे नहीं इशू किया तो क्या हो जाएगा, टाइम पे इशू करना ज़रूरी है, फिलहाल ये मान के चलेंगे अच्छे बच्चों की तरह। समझ जाएगा तुमको पक्का, चलो ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा या तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, हम थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है, मतलब टेलीग्राम वगैरह पर मैसेज आए कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ, तो मैं आज फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना जमे तो बता। ये फास्ट मतलब मैं रेलगाड़ी की तरफ भाग नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का कोशिश प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के कॉमेंट पर। ओके चलो आगे चलते हैं, ये तो हुआ नॉर्मल। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर बिजली आती है, बिजली राइट है, कभी ऐसा होता है क्या कि हम बिजली विभाग गए जाके हमने बोला कि जैसे रिलायंस वाले को बोला, रिलायंस या अडानी को बोला, टाटा को बोला, हमको ना 5 किलो बिजली दे दो, लो पैसा 5 किलो का डिलीवरी दे दो, ऐसा होता है क्या वहाँ पे? नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, हमारे घर पे मीटर लगा हुआ है नॉन स्टॉप पूरे साल 24/7 हम पे बिजली, हम पे नहीं हमारे घर में बिजली आती रहती है। तो इन दैट केस जब वो घर में बिजली आती रहती है तो ये तो कभी सप्लाई ख़त्म ही नहीं होगा ट्रांसपोर्ट का। ऐसे तो टाटा वाला या बिजली वाले हमें बिजली देते रहेंगे, हम कंज्यूम करते रहेंगे, ऐसा होता है क्या आमतौर पर? नहीं सर, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बिल आता है, वो बिल को हमें भरना पड़ता है। तो कहना ऐसे ये वो कैटेगरी ऑफ गुड्स में आ गया। अच्छा अब कोई मेरे पे राशन पानी लेके चढ़ मत जाना, सर लाइट में तो अब तक GST चार्ज नहीं होता। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जिस भी कैटेगरी में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, जहाँ पे एक साथ में सारे गुड्स नहीं आते, जहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे गुड्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो क्या होता है ना ऐसे केस में पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू होते हैं। जैसे हमारे लाइट बिल के अंदर हर महीने में एक बार एक स्टेटमेंट इशू होता है। कई जगह पे जैसे हमारे यहाँ पे खुद गैस जो है, जो क्या है, जो घर का जो गैस होता है वो गैस की पाइपलाइन चलती है, तो वहाँ भी मंथली बिल आता है पाइपलाइन का गैस का। तो गैस तो कंटिन्यूस सप्लाई में आ रही है हमारे पास, लेकिन पीरियोडिकली वो खुद मीटर रीडिंग करके एक डेट पे डेट कट करते हैं, कट ऑफ डेट बोलते हैं, और उस टाइम का तब तक का स्टेटमेंट हमको इशू कर देते हैं, हम उसको बिल पेमेंट कर देते हैं। तो वैसे केस में बिल कब तक इशू करना पड़ेगा, तो क्या बोल दिया, या तो पहले ये एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, विच एवर इज मोर एविडेंट। क्या बोल दिया, अरे वही जो स्टेटमेंट आया, जो बिल आया, वो बिल जिस दिन आया उसी दिन इन्वॉइस इशू करना है। आज की डेट में जो बिल आता है वो बिल ही अपने आप में इन्वॉइस होता है, मतलब वही कह रहा है जिस दिन आप कट ऑफ करोगे आपको उसी दिन या उसके पहले पहले इन्वॉइस इशू कर देना है। समझियो कि नहीं सर, समझ तो गए, आगे बढ़ाओ सर, मैंने बोला चलो आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 क्या है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये आपने शिपटी में सीख रखा है या बीकॉम वालों ने SY या FY में शायद सीख रखा है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जैसे जी रहा, जैसे मेरा ना ऐसा इस तरह के मेरा ईयरफोन्स का बिजनेस है, तो मैंने क्या किया, मैंने नए ईयरफोन्स बनाए, मेरी कंपनी का नाम है गोट, मैंने गोट कंपनी के ईयरफोन्स बनाए। और मैंने क्या किया, मैंने इन ईयरफोन्स को सबको बेचना चाहता हूँ। मैंने एक सप्लायर को पकड़ क्या बोला, भाई एक काम कर, ये तेरे पास रख ले। उसने कहा नहीं चाहिए तेरा नया, तेरा गोट नाम का। मैंने क्या बोला, भाई साहब रख ले, बिक जाएगा तब मुझे पैसा दे देना, नहीं बिकेगा तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, मुझे वापस दे देना मेरा माल। बिक जाएगा तो रख लेना, नहीं बिकेगा तो मुझे मेरा माल वापस दे देना। एक बात बताओ, ऐसे केस में मैं उस बंदे को अपना माल बेच रहा हूँ कि भेज रहा हूँ? आई रिपीट, जब मैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को दे रहा हूँ किसी को, तो मैं अपना माल उसी टाइम पे जब उसको दे रहा हूँ, तो मैं उसको माल भेज रहा हूँ या बेच रहा हूँ? आंसर इज मैं उसको भेज रहा हूँ। क्या मेरा माल बिक गया है? आंसर इज नो, माल तो नहीं बिका है। जब माल बिका ही नहीं है तो उस केस में क्या मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? अब तुम तो कहोगे सर नहीं बिका है तो मत करो, गवर्नमेंट ने बोला, ऐसे तो तुम जिंदगी भर नहीं बेचोगे। तुमको जब भी पूछेंगे क्या वो भाई माल बिका, तुम क्या बोल दोगे, नहीं सर वो उसको रखने के लिए दिया है, वो बेचा नहीं है अभी तक, बाद में बेचूंगा, तो गवर्नमेंट को इससे लॉस हो जाएगा। फिर हर आदमी क्या करेगा, हर व्यक्ति की जिस करेगा वो क्या करेगा, वो माल इनवॉइस नहीं बनाएगा सेल का, किसी को दे देगा, भेज देगा, बोलेगा मैंने सिर्फ भेजा है, बेचा नहीं है,
और जब बेचा नहीं है तो क्या मतलब जीएसटी का? गवर्नमेंट ने बोला, भाई साहब उड़ने का नको। क्या बोल दिया? अगर आपने गुड्स किसी को भेजा है, बेचा नहीं है, तो भेजने की भी तो लिमिट होती है। कोई इंसान अपना माल, अपना गुड्स, अपना सामान किसी को कब तक दे रखेगा बिना किसी इन्वॉइस इशू किए, बिना चार्ज लिए? बोला नहीं चलेगा। तो क्या बोला? जब आप सप्लाई कर रहे हो ना, टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो आप तब इन्वॉइस इशू कर दो, तब नहीं करते हो। जब आपका गुड्स रिमूव हुआ था आपके गोडाउन से, आपके फैक्ट्री से, आपके ऑफिस से, वो रिमूवल के 6 महीने तक, लास्ट में लास्ट आप कह सकते हो कि मैंने माल नहीं बेचा है। अगर 6 महीने में माल वापस नहीं आता है तो हम मान लेंगे तुमने उसको बेच दिया है। सर बेच दिया मान लेंगे, मतलब भाई ये कौन सी बात हो रही है? इनवॉइस कब तक इशू करना है? मतलब गवर्नमेंट क्या बोल देगी? मैक्सिमम 6 महीने का पीरियड बीत जाता है, उसके आखिरी दिन तुझे सेल माननी ही पड़ेगी, इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। समझा? ये था गुड्स के लिए, नॉर्मली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर, और इन द थर्ड केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के अंदर। ये तो था गुड्स की कहानी कि किस दिन तक हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन केस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट सर्विसेज। नाउ सर्विसेज क्या होता है? अगेन यहाँ पे भी दो से तीन, दो बातें मेन मिलेगी, तीसरी बातें, बिकॉज यहाँ कुछ अप्रूवल जैसा नहीं होता है ना कि मैं सर्विस दे रहा हूँ तू चेक कर रख ले, ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ गुड्स में होता है। तो यहाँ मेन बातें होगी दो। नॉर्मली आपको नॉर्मली सर्विसेज का बिल कब तक इश्यू कर देना है? बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या होता है? जब आप सर्विस देने वाले हो, जिस दिन सर्विस देने वाले हो, तो वो दिन सर्विस देने वाले हो, या तो उसके पहले कभी भी इशू कर लो, और अगर नहीं इशू करते हो उसके पहले तो विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो सीधी साधी कहानी है, जिस दिन सर्विस देना था, प्रोविजन ऑफ सर्विस था, या तो उसके पहले इशू कर लो, और अगर नहीं करते हो तो सर्विस देने के, सर्विस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये 30 दिन बन जाता है 45 डेज फॉर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। क्यों क्यों क्यों? अरे ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग के पास काम ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है तो टाइम ज़्यादा मिल गया। समझिए, ये तो हुआ नॉर्मल सर्विसेज के अंदर। देखो ध्यान से देखो, गुड्स में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है यहाँ पे कि 30 दिन में, 30 दिन में करो ये करो वो करो। अरे गुड्स मतलब माल निकालने के पहले बिल बना। इधर क्या बोला? इधर तो गुड्स तो है नहीं, या तो सर्विसेज देने के पहले या सर्विस देने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इशू कर दो। नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूसली सप्लाई सर्विसेज दिए जा रहे हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैं पढ़ाते रहूँगा, ज़िंदगी पढ़ाते रहूँगा, ज़िंदगी भर। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? इनवॉइस कब इशू करूँगा? मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो कंटिन्यूस पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, इनवॉइस कब इशू करूँगा? अब देखो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर पेमेंट। कोई तो पेमेंट का ड्यू डेट होगा, भले ही मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, बट मैं कुछ तो बात करूँगा ना आपसे कि महीने का इतना लूँगा, 2,000 लूँगा, 5,000, 10,000 लूँगा, जो भी लूँगा। तो वो जो भी डेट ऑफ पेमेंट है ना, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो वही दिन को क्या मान लेंगे? इनवॉइस का ड्यू डेट मान लेंगे, ठीक है? या फिर बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स पेमेंट। सेकेंड केस क्या हो गया? पेमेंट का ड्यू डेट था, या तो वो मान लो कि ये लास्ट डेट है, वो नहीं अवेलेबल है, तो जिस दिन सप्लायर ऑफ सर्विस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैं सर्विस दे रहा था, सपोज करो हमने कोई ड्यू डेट डिसाइड ही नहीं किया पेमेंट का, तो क्या करूँ? अरे जिस दिन आपने पैसा दिया उस दिन को ही क्या मान लूँगा, तुरंत बनाऊँगा, यही क्या है? इनवॉइस बनाने की ड्यू डेट, ठीक है? समझो ये भी नहीं है मेरे पास, तो क्या? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब ये क्या है? अब ध्यान से सुनो, मजा आएगा, जीवन का मजा आएगा। देखो इस पूरे को एग्जाम्पल में लेते हैं अच्छे तरीके से। सपोज मेरे पास आप लोग 100 स्टूडेंट आए, आप लोगों ने क्या बोला? सर अब आपका एक ही मकसद है लाइफ में, आपका एक ही मकसद है। मैंने बोला क्या? आपने कहा सर अब आपको हमें पढ़ाना है। मैंने कहा मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। नहीं 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 सर,
आपको हमें तब तक पढ़ाते जाना है जब तक हमारा अटेम्प्ट नहीं पास हो जाते, हम सीए नहीं बन जाते। मैंने कहा ठीक है, अब क्या? तो अब देखो, अब यहाँ पे किस तरह की बात हो सकती है, यहाँ तीन तरह की बात हो सकती है। आपने मुझसे क्या बात किया, सर आपको तो कॉन्टिन्यूस हमको पढ़ाते जाना है। मैंने कहा कब तक? आपने बोला एग्ज़ाम तक। तो देखो यहाँ पे तीन बातें हैं। पहली बातें क्या हो सकती है, हो सकता है हम और आप बात करें कि देखो मैं लेफ्ट टाइम पढ़ाऊँगा लेकिन आपको हर महीने ये ड्यू डेट है, आपको इस महीने इतने पैसे जमा करवाने। तो ऐसे केस में ड्यू डेट क्या होगा, इनवॉइस इशू करने का, वही डेट जो हमने डिसाइड किया है ड्यू डेट। सेकेंड केस, वी हैवन डिसाइड एनी ड्यू डेट, बट हमने क्या किया, आपने मुझे पेमेंट करना शुरू कर दिया अगले महीने से कि सर ये लो आपका इस महीने का 5,000, सर इस महीने का 4,000, इस महीने का 10,000। अब हमने ड्यू डेट डिसाइड तो नहीं की थी, लेकिन इस अब नए सेकंड एग्जांपल में क्या हो गया कि आपने मुझे पेमेंट दिया। तो आपने मुझे पेमेंट दिया तो मैं उस दिन को ही क्या मान लूँगा कि इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट है यही। सेकेंड केस। थर्ड केस, आपने क्या बोला, सर ना तो हम आपको मंथली पैसा देंगे, यानी कि आपका कोई ड्यू डेट फॉल नहीं करेगा मंथली, ना हम आपको मंथली पैसा ना आप मांगोगे ना हम आपको देंगे। मैंने कहा बच्चे लोग, क्या मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे? तो आपने क्या बोला, सर लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन हम पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, एग्जामिशन आएगा, आपको उस दिन पैसा मिलेगा। कहना ऐसे, अब आपने मेरी सर्विसेज को लिंक कर दिया किसी इवेंट के साथ में, इवेंट इज पासिंग ऑफ सीए फाइनल। तो यहाँ पे क्या बोला थर्ड केस में, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ इवेंट व्हेन पेमेंट इज लिंक टू कम्प्लीशन ऑफ इवेंट। बोला सर आप पास करा दो, हम लोग जिस दिन पास हो गए आपको 5 लाख रुपये एक साथ फीस देंगे, 5 लाख रुपये। मैंने कहा ठीक है, रिजल्ट आया तुम पास हो गए। अब भैया रिजल्ट आ गया और तुम पास हो गए, तो कह रहे से अब मेरा अमाउंट ड्यू हो गया। तो क्या बोला, वो इवेंट जो लिंक है पेमेंट से, या तो इवेंट हो जाए तब तक बिल इशू कर दो, या उसके पहले कभी भी आपको इनवॉइस इशू कर देना है। समझो कि नहीं? ठीक है, ये हुआ सेकेंड केस। अब थर्ड केस क्या है इसमें, थर्ड केस, हियर कैन नॉट बी अप्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे क्या है, सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। किस दिन हम मानेंगे कि सप्लाई बंद हो गया सर्विसेज का, टू द एक्सटेंट सप्लाई इज कंप्लीट एट द टाइम व्हेन सीजेस। हम कोई सप्लाई दे रहे थे, सपोज करो आप कोई बाइक ठीक करवा रहे थे, बात हुई थी एक एक्स अमाउंट की, आपने आधी बाइक ठीक कराई और आपने कहा कि अब आगे मत कर, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बंद कब होगा? जितना काम उसने किया है उतने काम तक का काम रोक दिया जाएगा, एंड वही बोल जाएगा कि हाँ इतना आपका सप्लाई हो चुका है। तो ये कोई इतना बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बाकी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर ये सेक्शन 31 जो हमने सीखा है कि इनवॉइस कब तक इशू करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बिकॉज बच्चे यही पार्ट नहीं समझते और उसके बाद होता है कन्फ्यूज वाले सोचते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत हार्ड है। जनाब हमने अब तक TOS स्टार्ट ही नहीं किया है, हमने टाइम ऑफ सप्लाई के पहले ये सीख लिया कि गुड्स या सर्विसेज के केस में और गुड्स और सर्विसेज के भिन्न भिन्न प्रकार के केसेस में कब तक इनवॉइस इशू करना अनिवार्य होता है, हमने सिर्फ ये सीखा है। अब इसका रिलेवेंस जब आएगा ना ऊपर चैप्टर में, तब आएगा ज़िंदगी का मज़ा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा किसी को ये शीट चाहिए, अगेन ये मैंने बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में, ये शीट्स आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पे। लेक्चर ख़त्म होने के कुछ ही घंटों के अंदर एप्लीकेशन पे ये शीट्स आ जाएंगी उसके फोल्डर में। और हाँ, ये हम सीधा करें टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 6, इसके बाद करेंगे प्लेस, इसके बाद करेंगे वैल्यू, तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ऑर्डर आगे पीछे करूँगा, बट ये अनिवार्य है। ओके 31 डन, मेजर पार्ट डन। अब देखो अब मज़ा आएगा जीवन का, अब मज़ा आएगा। याद रहे 31 में सिर्फ ये सिखाया है कि बिल बनाने का ड्यू डेट क्या है, हमने अभी तक ये नहीं सिखाया है कि GST कब भरना है, GST कब भरना है, जिस दिन होगा टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कब पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। सेक्शन 12 है गुड्स के लिए, 13 है सर्विसेज के लिए। तो एक काम करते हैं सर, सार सेक्शन 12 पे आते हैं, बात करते हैं गुड्स की। नाउ गुड्स के केस में अब आप लोगों को भली भांति अंदाज़ा है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है। तो आप ध्यान से देखो, नहीं अंदाज़ा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को पहले देख लो, समझ जाओ, अब चलते हैं आगे। फॉरवर्ड चार्ज जनरली क्या होता है, जहाँ पे सप्लायर टैक्स भरता है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स भरता है। तो यहाँ पे देखो, जनरली टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि आप जिस दिन इनवॉइस इशू कर रहे हो, या तो वो डेट ले लो, अरे ले लो ना वो डेट, आप वो डेट ले लो, ठीक है, या फिर जो ड्यू डेट था
टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 जो हमने सीखा थोड़ी देर पहले, विच एवर इज अर्लियर। तो गुड्स का फंडा फॉरवर्ड चार्ज में एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है कि सप्लायर जैसे इनवॉइस इशू करे या तो वो डेट या फिर जो ड्यू डेट था बिल पेमेंट करने का वो डेट, ड्यू डेट था इनवॉइस इशू करने का वो डेट, जो दोनों डेट में से अर्लियर है उसी डेट को क्या मान लेंगे हम, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे और सरकार आपसे उसी टाइम पे जीएसटी मांग सकती है उस डेट के हिसाब से। ठीक है, तो था फॉरवर्ड चार्ज। सर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, ध्यान से सुनो। रिवर्स चार्ज में देखो, अब यहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स भरता है तो अब हमको रिसिपिएंट के हिसाब से सोचना है। तो रिसिपिएंट कौन होता है, वही जो कुछ रिसीव करता है। तो रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई, अभी बार बार आई वोंट से टाइम ऑफ सप्लाई, आई विल स्पीक TOS, ठीक है TOS। रिवर्स चार्ज में TOS कब होगा, जिस दिन सामान रिसीव हुआ या तो वो डेट, या तो वो डेट सामान मिला, मुझे सामान मिला तो सामान मिला है वो डेट पकड़ लो, या फिर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन बउआ, बउआ बोले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। भाई मैंने गुड्स रिसीव किया तो मैं आई विल पे द अमाउंट राइट, व्हेन आई हैव रिसीव द गुड्स आई विल बी द वन हु विल बी पेइंग फॉर द गुड्स। तो या तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ वो डेट, या मैंने जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड किया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेट, या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, या फिर जिस दिन मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है या तो वो दिन। सर ये अकाउंट से पैसा डेबिट होना और ये अमाउंट रिकॉर्ड करना, ये दो डेट सेपरेट हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स हो सकती है, हो सकता है। मैं पेमेंट चेक से करता हूँ तो मैं तो जैसे ही पेमेंट करूँगा चेक से मैं तो लिख दूंगा बउआ के अंदर मैंने पेमेंट कर दिया। अब हो सकता है चेक 4 दिन बाद का हो, चेक 3 दिन बाद का हो, और पास उसके भी और 3 दिन बाद होगा, तो कहना ऐसे है बुक्स में से कब पैसा डेबिट होगा, 6 दिन बाद। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, ये सभी डेट में से विच एवर इज अर्लियर, तो जो डेट पहले आएगी अर्लियर होगी उस डेट को मान लिया जाएगा। कभी कभी उल्टा भी होता है, हमने NEFT कर दिया है और अब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं मारा, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया ना अकाउंट से, भैया डेबिट हो गया ना अकाउंट से, हम मान लेंगे TOS हो गया है। या फिर 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस कौन, वो जिसने मुझे माल दिया, रिवर्स चार्ज में मुझे भरना है GST, लेकिन जिसने माल दिया उसका भी तो इनवॉइस होगा जब वो माल देगा गुड्स देगा, उसके इनवॉइस से मैक्सिमम 31st डे को हम TOS मान लेंगे, यानी कि 30 दिन की छूट है, 30 दिन। अब सिंपल सी बात क्या है, उसने इनवॉइस बनाया, हमारे पास गुड्स रिसीव भी नहीं हुआ, हमने उसको पेमेंट भी नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री भी नहीं किया। आई रिपीट, हमने किसी से गुड्स का कॉन्टैक्ट लिया परचेज करने का, हम रिसिपिएंट है, हमें ना अब तक गुड्स मिला है, ना हमने पेमेंट किया है, ना हमारे बैंक से पैसा गया है, ना हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारा है पैसा देने का, तो क्या TOS होगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला शट अप, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया था तेरे नाम पे उसका 30 दिन छोड़ दें, 31st डे हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे TOS हो गया। सर माल तो आया नहीं, भाड़ में क्या माल आया कि नहीं, उसने इनवॉइस इशू कर दिया ना 30 दिन, देखो दिया ना मैंने, तो 30 दिन में माल क्यों नहीं लेके आते तेरे गोडाउन में, हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम क्या TOS मान लेंगे। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, ये चारों ही चीज़ें पता नहीं चल पाती, ढूंढ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम सम की पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, सम में तो मिलेगा ये सब डिटेल्स, रियल ज़िंदगी में हो सकता है कि अभी तक वो छोटा सप्लायर था उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, या अब तक गुड्स मिले ही नहीं, मेरे पास कुछ भी चीज़ डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूँगा। अगर अबव इवेंट्स आर नॉट असर्टेनेबल तो TOS क्या बनेगा, डेट ऑफ एंट्री इन बउआ ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। भाई ठीक है पेमेंट रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने जो गुड्स वसूल किया रिसीव किया है मेरे बुक्स पे एंट्री तो मारा होगा ना स्टॉक के अंदर, तो जिस दिन एंट्री मारा उसको भी क्या बोल देंगे, फिर कुछ नहीं मिला तो उसको क्या बोल देंगे TOS। समझियो कि नहीं, आई रिपीट समझियो कि नहीं, समझा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको भी लग रहा है फास्ट जा रहा है प्लीज़ मुझे रोक देना, मुझे बता देना, हम अगले लेक्चर में ध्यान रखने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल तो ये चैप्टर में कुछ खास है नहीं, सेक्शन 31 इम्पॉर्टेंट था और कुछ खास इम्पॉर्टेंट है नहीं, एक बार चैप्टर को देख लोगे इसके ऊपर के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई बार ही आईसीए आपको एग्जाम्स चार चार आठ आठ मार्क क्यों दे देता है। पिछले से पिछले अटेम्प्ट में 8 मार्क का सिर्फ TOS के ऊपर सम्स आया था। MCQ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो, अभी भी आया था सम 8 मार्क का, 8 का था या 2 2 मार्क के 4 मार्क का था, मेरे को नहीं पता, बट था, ध्यान नहीं है बट था। मेरे हिसाब से था 8 मार्क का क्वेश्चन, फुल प्रॉपर क्वेश्चन था, चार चार मार्क के ब्रेकअप के साथ में। हाँ तो यहाँ देखो, मैं आता हूँ मेरे मस्त वाले चार्ट पे, देखो ध्यान से। अब तक हमने क्या सीखा? इनवॉइस का ड्यू डेट सीख लिया, TOS गुड्स का सीख लिया, अब सीख लिया TOS सर्विसेज का। सर्विस वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा और डिटेल में है सर्विस वाला पार्ट, ध्यान से देखो। कन्फ्यूजा ना मत, TOS ऑफ सर्विसेज जनरली यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर, इनवॉइस इशूड विद इन ड्यू डेट। अब यहाँ सर्विस के अंदर दिक्कत वाली बात है, यहाँ सेक्शन 31 को पूरा लिंक किया गया है TOS के साथ। इसका मतलब जैसे ही सर्विसेज में आते हो, आपको पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है कि क्या बिल TOS कब होगा, वो अपन देखते हैं अभी, लेकिन आपको क्या देखना है, क्या इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर अंदर इश्यू कर दिया गया था। ड्यू डेट कौन सा? एज पर सेक्शन 31। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या, क्या इनवॉइस इश्यूड विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट मान जाए एज पर सेक्शन 31। लेट मी राइट हियर, तुम लोग क्या है ना, बावले हो जाओगे या बावला कर दोगे। विद इन ड्यू डेट मतलब क्या है? एज पर सेक्शन 31, ठीक है। क्या सेक्शन 31 के हिसाब से टाइम पे भी इन्वॉइस इशू हुआ था सर्विस के केस में? अगर जवाब हाँ है, अगर जवाब हाँ है तो क्या होगा TOS? हाँ है तो जिस दिन आपने इन्वॉइस इशू किया, डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, या जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड किया बबुआ में, या जिस दिन पेमेंट क्रेडिट हुआ किस में, सप्लायर्स की बुक में, इनमें से जो पहले इवेंट हुआ उसको ही क्या मान लेंगे? TOS मान लेंगे। लेकिन ये तो कब? जब आप साहूकार बिल टाइम पे इशू किया, थोड़ी देर पहले बच्चे सोच रहे थे सर टाइम पे इशू किया नहीं किया तो क्या होगा। देखो क्या होगा ध्यान से, अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाया तो जिस दिन डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस देना था ना वो डेट, या जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड हुआ बबा में वो, या डेट ऑन विच पेमेंट क्रेडिट सप्लायर्स बैंक, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ बैंड बज रही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा अभी, तुमको सब में समझेगा ये चीज़। देखो ध्यान से क्या है, ये दोनों चीज़ें तो सेम है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे, अगर टाइम पे इशू किया ना तो हम लोग जिस दिन बिल इशू कर रहे हैं उसको इज्जत तवज्जो मिल रहा है, अगर टाइम पे इशू कर रहे हैं तो। अगर टाइम से लेट इशू कर रहे हैं तो बोला जिस दिन आपने सर्विस दे दिया ना, एक बात बताओ तुमने टाइम पे इशू किया क्या? नहीं किया, मतलब सर्विस दे चुके होंगे ऑलमोस्ट केसेस के अंदर। तो जब टाइम पे बिल इश्यू नहीं किया, आप सर्विस दे चुके हैं, जिस दिन सर्विस दे दिया था ना, हम उसको ही क्या मान लेंगे? TOS मतलब तुम लेट हो, लाओ इंटरेस्ट आने दो, ये सब सब में आएगा। चाहे दिमाग लाने का नहीं, चाहे दिमाग घुमाने का नहीं, खुद का सब में आएगा सब कुछ, ठीक है। बट आई होप आपको आइडिया समझ में आया कि कैसे पनिश किया जा रहा है टाइम पे बिल इश्यू नहीं किया तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट सूचे, ओके नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, कि भाई यहाँ पे क्या होता है TOS। यहाँ पे दो बातें, क्या आपने जो सर्विस, अच्छा रिवर्स चार्ज मतलब क्या होगा एनीवेज, रेसिपिएंट होगा वही वही GST या वही टैक्स भरेगा, तो रेसिपिएंट। अब आपको चेक करना है यानी कि आपने सर्विस रिसीव किया है, हैव यू रिसीव सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, वॉट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया इज ऑलरेडी बींग एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट लेक्चर, सो आई वॉन्ट बी रिपीटिंग द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, बट वट आई वॉन्ट टू सेज यू नीड टू चेक हैव यू रिसीव्ड योर सर्विसेज फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज हु इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इफ द आंसर इज येस, यू नीड टू चेक टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पैसा आप सर्विस ले रहे हो, आप ही तो पैसा दे रहे हो, जिस दिन आपने पैसा दिया है पेमेंट,
या डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन बउआ ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस दिन मैंने पैसा दिया वो डेट, या फिर जिस दिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस रिकॉर्ड किया वो डेट, विच एवर इज अर्लियर, क्या मान लूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई TOS। अदर कोई भी केस हो, यानी कि एसोसिएट से मैंने नहीं लिया, मतलब पूरी दुनिया में किसी से भी लिया हो, सेम स्टेट में, दूसरे स्टेट में, कंट्री में, व्हाट एवर द केस में भी, क्या होगा, जैसे आपने पेमेंट किया तो वो दिन, या फिर 61st day फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वॉइस, इशू ऑफ इन्वॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इन लीव ऑफ इन्वॉइस। कभी कभी इन्वॉइस इशू नहीं करके कोई और स्टेटमेंट इशू कर देते हैं तो उसको भी पकड़ लिया। तो यानी कि अगर रिवर्स चार्ज है, कोई अदर केस है जो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो क्या बोल दिया, आप पेमेंट कर रहे हो तो वो डेट ले लो, या फिर जो सप्लायर का इन्वॉइस था जिसने बिल इशू किया होगा, क्योंकि मैं तो रिसिपिएंट हूँ, बिल तो वही इशू करेगा, सप्लायर जो इशू किया होगा उसके 61st day तक, यानी कि 60 दिन तुमको माफ़ है, 61st day पे हम लोग बाय डिफॉल्ट एज्यूम क्या कर लेंगे, TOS हो गया है, TOS हो गया है। समझा कि नहीं? अरे बोलो ना यार, तुम लोग यहाँ बोलते नहीं यार, नहीं बोलोगे क्या, बोलना पड़ेगा, बोलो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो, समझा कि नहीं, इससे थोड़ी होता है, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए चार्ट बनाया, तो मैं तुमको समझा रहा हूँ और तुम ऐसा आंसर नहीं दोगे, आंसर देना ही पड़ेगा। अब देखो मज़े की बात क्या है, अगर मैं TOS के गुड्स पे आता हूँ रिवर्स चार्ज में, तो क्या बोला कि जो सप्लायर से इन्वॉइस आया उसको 30 दिन माफ 31st day पे इन्वॉइस इशू किया मानना पड़ेगा, वो गुड्स के थे ना, सर्विसेज में क्या बोल दिया 60th day 60 दिन माफ 61st day पे मान लेंगे। ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ बताया कोरिलेशन, बाकी तो सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लेरिफिकेशन है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। नाउ ये क्या है, ध्यान से देखो इस केस को समझो, कि केस कभी कभी एग्जाम में टपक जाता है, पब्लिक भटक जाता है और फिर मार्क्स लटक जाता है और डिग्री भी भटक जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक बिल्डर है, ये एक सोसाइटी है, ठीक है। अब ये बिल्डर क्या एग्री कर रहा है, देखो सोसाइटी जब हो जाती है पुरानी, तो आपने सुना है सोसाइटी जब पुरानी हो जाती है तो वहाँ पे कुछ बिल्डर्स जाते हैं, सोसाइटी वाले को क्या बोलते हैं, ये ज़मीन हमको इस्तेमाल करने दो, हम तुम्हें नया घर बना के देंगे, वैसे भी ये घर रहने लायक नहीं है, जहाँ तुम रह रहे हो कभी भी गिर सकता है, लेट अस रीडेवलप फॉर यू। सो व्हेन दे आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, तो वहाँ पे होता क्या है, बिल्डर एग्री करता है कि हम सोसाइटी वालों के लिए फ्लैट बना के देंगे, सोसाइटी वाले क्या करते हैं, सोसाइटी वाले डेवलपमेंट राइट देते हैं कि ले भाई, याद होगा ना लैंड में OC मिलता है बिल्डिंग को जब सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी के पास OC है, उसके पास राइट्स है उस ज़मीन के, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग फ्लैट है, तो सोसाइटी वाले राइट्स देते हैं और बिल्डर प्रॉमिस करता है कि हम आपको फ्लैट देंगे बना के। ठीक है, तो कहना ऐसे तुमको दिख रहा है कि दोनों लोग कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, एक राइट दे रहा है और एक सर्विस दे रहा है, मतलब खाना नहीं यार, फ्लैट बना के दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे TOS क्या होगा, यहाँ पे TOS होगा जिस दिन आपका डेट कंप्लीशन ऑफ डेट होगा, कि जो फ्लैट नए बनाएगा ना, या तो उस दिन का कंप्लीशन डेट, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑक्यूपेशन क्या है, जब बिल्डिंग तैयार है रहने के लिए, ठीक है, वो दिन, वो फर्स्ट ऑक्यूपेशन या डेट ऑफ कंप्लीशन जो पहले होगा उस दिन पे TOS को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर ये क्लैरिफिकेशन दोबारा बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, क्योंकि बिल्डर तो आज ही कह रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ तो मैं घर बना के दूंगा, सोसाइटी इसको डेवलपमेंट राइट दे रहा है, तो कहना है से जिस दिन लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी दिन TOS बन गया ना, राइट दे दिया, वो प्रॉमिस दे दिया मैं तुमको बना के दे रहा हूँ, तो कहना है सेम डे TOS आ गया। अब सेम डे TOS आ गया तो बिल्डर बोलेगा साला मैंने काम नहीं किया, तुम पहले GST मांग रहे हो, और सोसाइटी बोलेगी कि हमारा एक फ्लैट बना नहीं, अभी तो हम बेघर होने वाले हैं, कहीं और टेम्परेरी शिफ्ट होने वाले हैं, नया फ्लैट बनेगा 2.5-3 साल में, और तुम अब हमसे अभी GST मांग रहे हो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केस में भले ही जिस दिन तुमने ये एग्रीमेंट किया उसी दिन TOS लग रहा है, TOS ही है उसमें बाई डिफॉल्ट, गवर्नमेंट ने उसको पर्पसली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्या बोल दिया, शिफ्ट करके,
तो जिस दिन तुम लोग की ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, मैंने प्रॉमिस किया फ्लैट बना के दूंगा, उन लोग ने बोला मैं राइट दे रहा हूँ तुमको, ये लो बना लो बिल्डिंग, उस दिन हम लोग टीओएस नहीं मानेंगे। शिव क्या बोल दिया, जिस दिन नए घर बन के रेडी हो जाएंगे या तो वो दिन, या जिस दिन फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो जाएगा वो दिन, जो भी पहले होगा ना हम उस दिन पे टीओएस मान लेंगे। यानी कि आपको कुछ टाइम मिल गया, 2-2.5-3 साल, जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक का टाइम मिल गया टीओएस के लिए। समझियो क्या टाइम मिल गया मतलब, उतना टैक्स बाद में भरना पड़ेगा बिकॉज वो फॉल ही नहीं कर रहा। जीएसटी में यही तो मज़ा है टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने का, कि कई लोग ऐसा सोचते हैं हमको टैक्स कब भरना है। अरे भैया जब तुम्हारा टीओएस होगा तब भरना है टैक्स, टीओएस नहीं आया तब तक टैक्स नहीं भरना है। मज़े माने, चिल माना जिंदगी के अंदर। अच्छा एक बात अगर आप और बहुत और ध्यान दोगे, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट स्टिल मेरा मन तो बता दो, अगर आप जो गुड्स में आते हो, देखो मज़े की बात, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज के गुड्स में आ रहे हो, कैन ऐसे कहीं पे भी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को तवज्जो नहीं दिया गया गुड्स के केस में। यानी अगर आप गुड्स बेच रहे हो और अगर आपने एडवांसेस लिया है, तो आपको ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विच एवर इज अर्लियर एडवांस रिसीव किया है तो एक काम करते हैं इसको टीओएस मान लेते हैं। नहीं, गुड्स में ऐसा नहीं है, मतलब कहना है इससे, देखो ये देखो मज़ा आएगा जीवन का, अभी देखो अभी, मतलब कहना है इससे कि एडवांस रिसीव्ड ऑन गुड्स, एडवांस रिसीव्ड ऑन तेरी गुड्स, इस पे नो जीएसटी बिकॉज इस पे कोई टीओएस बनता ही नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना बोलो सर, क्या बोला वापस बोलो ना सर, मत खुजाओ, सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फॉरवर्ड चार्ज में तवज्जो दिया है क्या पेमेंट को, रिसीव को? नहीं। क्या बोला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सॉरी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अच्छा मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा शीट ख़राब हो जाएगा, तुम बोलोगे सर आपने मेन शीट ख़राब कर दी, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं ख़राब कर रहा, तुम लिख देना लेकिन, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे ये कह रहा था, देखो ध्यान से, कि गुड्स के अंदर जब आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया तो वो डेट, या जब तक इनवॉइस इशू करना चाहिए था वो डेट, विच सर्विस सेलर को मान लिया, यानी कि पेमेंट एडवांस पेमेंट को तवज्जो नहीं दिया, यानी कि एडवांस अगर गुड्स में रिसीव होता है तो उस डेट को इग्नोर करना है फॉरवर्ड चार्ज के लिए। सर्विसेज में आ जाओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया है या नहीं किया फ़र्क नहीं पड़ता, तंबूरा फ़र्क पड़ता है, आपको जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ है ना उसको भी तवज्जो दिया, यानी कि एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन केस ऑफ सर्विसेज, उस पर टीओएस आ जाता है, जीएसटी लग जाता है। लेकिन अगर गुड्स के अंदर एडवांस मिला है तो उस पर जीएसटी लगता नहीं है, टीओएस वेट करता है कब तक, इनवॉइस इशू करने तक। समझा कि नहीं समझा? सर समझ गए। अब देखो ये सेक्शन 12 और 13 का कुछ कॉमन पॉइंट्स है, सेक्शन 12 में कॉमन पॉइंट्स है, गुड सर्विस दोनों के लिए सेम है, तो मैंने एक साथ कॉम्बो बना के लिख दिया यहाँ पे आप लोग के लिए। पहली बात करते हैं वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज। कई बारी अभी रिसेंटली, जैसे रिसेंटली मैं यहाँ पे गया था, क्या नाम है, रिलायंस ट्रेंड्स में गया था, पेंटलूस में गया था, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट की शॉपिंग के ऊपर आपको एक वाउचर मिलता है, कूपन मिलता है। इस वाउचर की औकात क्या होती है, आपको अगले शॉपिंग पे कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनकंडीशनल वाउचर्स होते हैं, कि आपने 10,000 का शॉपिंग किया है, 1,000 रुपये का वाउचर ले लो, आप नेक्स्ट टाइम आओ 1,000 रुपये का कुछ भी लो, वाउचर दो और फ्री में लेके जाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर होता है। तो ऐसे वाउचर के केसेस में टीओएस कब मानेंगे? ए वाउचर तुमको लग रहा है कि वाउचर फ्री है, लेकिन जब वो वाउचर तुम लेते हो तो उनके लिए टीओएस बन जाता है, तो जो वाउचर दे रहा है उनके लिए टीओएस कब बन रहा है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तुम तो वैसे भी कहाँ जीएसटी बढ़ते हो, तुम तो स्टूडेंट नहीं, तुम तो कंज्यूमर हो उस पॉइंट पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, supply of goods or services identifiable at the time of issue of voucher, ध्यान सुनो ध्यान से,
आपने पेंटालून्स में 10,000 का शॉपिंग किया, आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिल गया। अब उस वाउचर पे लिखा है कि आप अगली बार जब भी आते हैं पूरे पेंटालून में से आप जो चाहें, फुटवेयर, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, जो चाहें क्लोथ, वो मतलब जो चाहें आप परचेस कर लो पेंटालून से, कोई दिक्कत नहीं। कहना ऐसे ये 1,000 रुपये का जो वाउचर है ये किसके लिए रिडीम होगा ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है कि जो आपको वाउचर आप इशू कर रहे हो वो वाउचर किस पर्पज़ के लिए काम आ सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ फिक्स्ड है? अगर हाँ तो जिस दिन वाउचर इशू किया उस दिन ही क्या हो जाएगा सप्लायर के लिए, जिसने वाउचर इशू किया उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन हो जाएगा। मतलब सपोज करो जो मुझे पेंटालून से वाउचर मिला है उसमें लिखा है कि मैं उससे कोई भी मैन वेयर परचेस कर सकता हूँ, मतलब मैन वेयर उसमें और डिटेल में लिखा है कि उसमें मैं सिर्फ जीन्स परचेस कर सकता हूँ। तो कहना ऐसे स्पेसिफिकली पता क्या होगा इस वाउचर का, अगर जब स्पेसिफिकली पता है क्या होगा वाउचर का तो आइडेंटिफाइड है पहले से। जब पहले से ही पता है वाउचर किस में यूज़ होगा तो कहना ऐसे जिस दिन वाउचर इश्यू होगा उस डेट को ही क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस की बात करते हैं, मुझे वाउचर में क्या लिखा है, आपको पेंटालून से जो परचेज करना है परचेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा वाओ, ऐसे केस में वो जो पेंटालून जिसने मुझे वाउचर इशू किया है वो कैसे एंट्री मारेगा वाउचर का, कैसे मानेगा TOS, उसको पता ही नहीं वाउचर किसके लिए यूज़ होगा। तो इस केस में उसको क्या बोल दिया, बहुत सिंपल सी कहानी है कि जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन तो पता चल जाएगा ना कि किसके लिए वाउचर, मतलब वाउचर किसके लिए काम आया है। तो जब जिस दिन पता चल जाएगा किसके लिए काम आया है, जिस दिन शॉपिंग होगा, जिस दिन रिडीम होगा, उस डेट को ही क्या मान लेंगे, TOS। आई होप मेरी बात समझ में आती है। अगर ये जो ऊपर सभी केस डिस्कस किए कोई भी केस में फॉल नहीं करता तो उस केस में हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बोला रिटर्न्स तो फाइल करोगे जीवन में कभी, उस डेट को क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। याद रहे रेसिडुअल केस है, जो कहीं नहीं ऊपर फिट हुआ वो लास्ट में यहाँ पे आएगा। या और कोई भी केस है, अरे तुमने जहाँ चोरी किया, इनवॉइस इशू नहीं किया, तो वो सब तो कुछ होगा ही नहीं। तो उस केस में जहाँ आपको डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, यानी कि आपसे जिस दिन टैक्स पेमेंट करवाएगा वही दिन क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो बात करता है एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बॉटल बेची और मैंने आपको कहा ये बॉटल 1,00,000 रुपये की है। आपने 1,00,000 की बॉटल ले ली और आपने क्या बोला कि सर पैसे कब तक देने। मैंने बोला 60 दिन का क्रेडिट तेरे को दूंगा, 60 दिन में पैसे दे देना। एक बात बताओ, ये जो 1,00,000 का जो बिल बनेगा, जो इनवॉइस बनेगा, इसके ऊपर जो आपने अभी तक TOS सीखा है एज इट इज़ एप्लीकेबल होगा बिना किसी दिक्कत के साथ। गुड्स है तो गुड्स, इफ सर्विस है तो सर्विस। दिक्कत कहाँ पे आती है, 1-2 महीना बीत गया, 60 दिन बीत गए, अब आप पैसे नहीं दे रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब मैं तो पेनल्टी लूँगा, लेट फीस लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा, जो भी लूँगा। मैंने बोला 10,000 पेनल्टी लूँगा या 10,000 इंटरेस्ट लूँगा। तो अब ये 10,000 का TOS कब होगा इसकी बात हो रही है यहाँ पे। 1,00,000 का TOS कैसे होगा, वो तो ओरिजिनल है, उसकी बात ऑलरेडी अपने ऊपर कर चुके हैं, वही चीज़ एप्लीकेबल है। ये जो एडिशनल अमाउंट, क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये जो एडिशनल पेमेंट है ना इसका TOS कब बनेगा, जब ये एडिशनल पेमेंट रिसीव होगा ना, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, चाहे पेनल्टी इंटरेस्ट कुछ भी हो, जिस दिन रिसीव होगा उस दिन ही उसका TOS बन जाएगा। बिकॉज वहाँ पे कोई नया माल तो जा नहीं रहा है, नई सर्विस तो जा नहीं रही है, तो जिस दिन पेनल्टी रिसीव हो जाए वही दिन क्या बन जाएगा, TOS बन जाएगा। समझो कि नहीं, सर समझ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने सेक्शन 31 पढ़ लिया है, सेक्शन 12-13 पढ़ लिया है, इसके कॉमन पॉइंट्स पढ़ लिए, अब है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 किस बारे में बात करता है, ये बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये क्या चीज़ है, देखो मोटा मोटी क्या कहने से, मोटा मोटी आपके ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर गुड्स है तो गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, सर्विस है तो सर्विस का प्रोविजन, का प्रोविजन ऑफ सर्विस इन्वॉल्व है, पेमेंट इन्वॉल्व है, बुक्स ऑफ एंट्री की इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, सरकारें या जो GST काउंसिल है जो बैठती है, ये लोग रेट्स वगैरह चेंज करते हैं, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। कई बार कैसा होता है कि जो 2-3 इवेंट्स हैं सर्विस का या गुड्स का या पेमेंट का या एडवांस का, बुक्स ऑफ एंट्री का, दो एक दो चीज़ें पहले हो गई रेट चेंज होने के पहले और एक दो चीज़ें रेट चेंज होने के बाद हो रही है, ऐसे केस में कौन सा रेट चार्ज करें।
पहली दिक्कत, दिक्कत कब आती है? देखो अगर सभी कुछ नई रेट आने के पहले हो गया सारी इवेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या सारी इवेंट रेट नहीं आने के बाद हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रेट चेंज हो गई और कुछ चीज़ें हो गई हैं और कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं, तो उस केस में क्या होगा? हम लोग रेट कौन सी लेंगे, ये है पहला दिक्कत। दूसरी दिक्कत, रेट समझ में आ भी जाती है तो बॉस अब ऐसे केस में TOS क्या माने, जो ऊपर रूल सीखे उनके हिसाब से माने या कुछ और तरीका है? ऊपर किए हुए तरीके को बेस बना के दूसरे तरीके से हम लोग, उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं TOS। तो चलिए इस में लिखा है रेफर डायरेक्टली मॉड्यूल, तो आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूल की तरफ। ये है आपका मॉड्यूल चेंज, ये आपका रिकैप सेक्शन है, अगर आपको इससे नहीं पढ़ना तो मैंने यहाँ लिख रखा है रेफर मॉड्यूल 6.36 का पेज नंबर, जो कलरफुल मिल जाएगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट में जो लिखा है यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको मैं कलर ही दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैंने क्या कहा था, अगर बीच में रेट चेंज होती है तो दो ही दिक्कत है, पहली दिक्कत रेट ऑफ टैक्स क्या लेना है, तो रेट ऑफ टैक्स का फंडा बहुत सिंपल है। देखो तीन तरह की इवेंट है, एक इवेंट इनवॉइस इशू करने की, दूसरी इवेंट सप्लाई करने की गुड्स या सर्विसेज, और तीसरी इवेंट पेमेंट को रिसीव करने की। ये तीन ही मोटा मोटी मेन इवेंट है, अब आपको चेक करना है इनमें से कोई भी दो इवेंट, एनी दो इवेंट अगर रेट चेंज होने के पहले आ रही है तो हम उसी दिन क्या बोल देंगे, हम उसी रेट को, ओल्ड रेट को रेट मान लेंगे हमारे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। सेकेंड केस की बात करता हूँ, सेकेंड केस में अगर इन तीनों में से कोई भी दो इवेंट, एनी टू इवेंट्स कब हो रही है, चेंज के बाद हो रही है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, नई रेट कंसिडर कर लेंगे। मान के चलो एग्जाम्पल, यहाँ पे रेट 5% थी और यहाँ पे रेट सपोज करो 8% थी, दो इवेंट यहाँ पे हुई है ये दो में से तीन में से, तो हम यहीं पे मान लेंगे ओल्ड रेट, और अगर दो चीज़ें यहाँ पे हुई है तो हम 8% यानी कि इस रेट को कंसिडर कर लेंगे टैक्स पेमेंट के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए। तो रेट की बात हो गई, हमको कहाँ दिक्कत है? सर हमको दिक्कत है, इसके लिए मैं ये आपका दोबारा रीकैप सेक्शन खोल लेता हूँ, ठीक है, ये बस सॉफ्टवेयर में खोल रहा हूँ, वही है जो मैंने वहाँ देखा हुआ। अब बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, गिव मी अ सेक, मैं ज़रा विंडोज़ वगैरह सब बंद कर देता हूँ। ओके अब ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि रेट कौन सी लेनी है, रेट आ गई, दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आने वाली है इससे TOS क्या होगा इसमें। अब देखो यहाँ पे ये हमें हमारा पुराना तरीका है कराने का, ये तरीका बच्चों को पसंद भी है, ऑफलाइन भी बच्चे इंजॉय करते हैं, ऑनलाइन भी पिछले बैच में बच्चे इंजॉय कर चुके हैं, तो हम इसी पर ध्यान देंगे। देखो ये तीन इवेंट की बात हो रही थी, कौन सी इवेंट थी, एक सप्लाई, एक इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक रिसीट ऑफ पेमेंट, ये तीन चीज़ थी। सप्लाई यानी कि खुद को आप क्या मान लोगे, यू खुद मान लोगे खुद को, सप्लाई मतलब आप हो। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ इनवॉइस, इसको हम क्या नाम देंगे, घर वाली, याद आ रहा है मूवी, एक तरफ है घर वाली एक तरफ, वही वही वही, हाँ, तो ये है बाहर वाली। फाइनली ये होगा फैसला, आराम से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले तीन केस हैं, आपको इस पहले तीन केस में खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये बिफोर है, क्या ये बिफोर हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारा काम है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों ही केस में सप्लाई तो क्या हो गया, पहले ही हो गया, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, सप्लाई क्या हो गया तीनों केस में, पहले हो गया। लेकिन जो इश्यू ऑफ इनवॉइस है, क्या वो भी पहले हुआ, एक केस में पहले हुआ फिर दो केस में बाद में हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम खाली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खेल रहे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, क्या इज इट बिफोर, क्या सप्लाई पहले हुआ, यस, क्या इनवॉइस पहले इशू कर दिया, यस, तो पेमेंट एंड रिसीव पहले हुआ क्या, नहीं, बोलता है नो, बिफोर नहीं है मतलब क्या है वो, नो, समझ में आ रहा है, बिफोर नहीं मतलब आफ्टर है मतलब क्या है, नो, सब समझो ध्यान से आराम से। अब देखो अगर मैं रेट की बात करूं तो ये दोनों इवेंट पहले हो गई है, तो रेट कौन सी लेंगे, रेट तो पुरानी लेंगे, इसका दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत बात करिए टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसको 2 मिनट में अब भी समझते हैं, थम्बा। अब बात करते हैं बिफोर,
अब दूसरा क्वेश्चन है, सप्लाई भी पहले हो गया? यस। क्या इशू ऑफ इनवॉइस पहले किया? बोलता है नहीं। लेकिन क्या पेमेंट पहले रिसीव हो गया? बोलता है हाँ। यस। थर्ड केस में सप्लाई पहले हो गया? यस। क्या इशू ऑफ इनवॉइस पहले हो गया? बोलता है नहीं। पेमेंट रिसीव हुआ पहले? बोलता है नहीं, वो पहले नहीं, वो भी बाद में हुआ, दोनों चीज़ें बाद में हो गई। तो ये हो गया एक केस। अब ये दूसरे केस पे आते हैं। चलो पहले केस को अपन सॉल्व कर लेते हैं अभी। अब देखो ये केस है, अब आपको सॉल्व कैसे करना है। ये देखो यहाँ से ये हो आप, ठीक है, ये है घर वाली और ये है बाहर वाली। अब आपको करना क्या है, आपको खेलना है क्या आ गए? ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप हो, जी हाँ आप हो। अब ये घर वाली या बाहर वाली में से जो आपके पास पहले आए आपको उसके पास चले जाना है। तो यहाँ देखो पहले केस में आपके पास कौन आई? घर वाली। तो घर वाली ही आपका TOS बन गई। देखो फैसला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, देखो यहाँ पे ये घर वाली बन गई टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है फैसला। सेकेंड केस में यहाँ पे क्या हुआ, आप हो, आपके पास में क्या घर वाली आई? नहीं। बाहर वाली आ गई? यस। मैंने क्या बोला, अगर घर वाली या बाहर वाली दोनों में से जो भी पहले, जो भी आपके साथ, क्या मान लो उसी को मान लो TOS। तो यहाँ पे ये आई बाहर वाली, बाहर वाली मतलब कौन, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, तो उसको ही क्या मान लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट को टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब आपके साथ में ना तो घर वाली आ रही है ना बाहर वाली आ रही है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल है, आपने रूल बना दिया भाई दोनों में से जो पहले आएगी ना मैं उसका हो जाऊंगा। मतलब यहाँ देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट, घर वाली या बाहर वाली, देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जो पहले आएगी उसको क्या मान लूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई। समझा कि नहीं समझा? पक्का कोई दिक्कत सर? नो दिक्कत। अब देखो यहाँ पे सेकेंड केस ऐसा है। अब आपको यहाँ पे आफ्टर का क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने इन्वॉइस बाद में इशू, क्या आपने सप्लाई बाद में किया? बोलता है यस। क्या ये भी बाद में? बोलता है यस। तो क्या ये बाद में? नहीं, नो। तो नो कर दिया। खेल वही है, अभी भी खेल वही है, ये आप हो, दोनों में से जो आ रही है ये आ रही है, ये बन गया टाइम ऑफ सप्लाई। ये दोनों में से अब ये आ रही है यानी कि पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई। दोनों में से कोई भी नहीं आ रही है तो जो पहले आ रही है, दोनों में से जो पहले आ रही है वही क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है क्या? इतना सिंपल सा तरीका है याद करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बॉस इसी के साथ आई कैन हैप्पीली से कि आपका ये चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई होता है पूरी तरह से समाप्त। हमने कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस आउट नहीं किया है, आपको सारी, और जो मैंने चार्ट बनाया था पूरा का पूरा चार्ट मॉड्यूल से ही बनाया गया है, हर एक चीज़ को इस्तेमाल करके बनाया गया, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स, ऑफकोर्स क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे वो पेड वर्जन है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वो पेड वर्जन आपको 3 से 4 दिन में एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाएंगे। आप वहाँ पे अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट की बेसिस पे खुद से सम सॉल्व कर सकते हैं TYK के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी दुआएं, आपकी दुआएं हमारे साथ रखिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।